बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल विलेज फूड एंड डेली लाइफ। आज हम आपके लिए जो रेसिपी लेके आए हैं वो है पिज़्ज़ा सॉस। पिज़्ज़ा सॉस के लिए हमें चाहिए आधा किलो टमाटर जो बिल्कुल रेड होने चाहिए, एक टीस्पून सुरख मिर्च, 15 से 16 अदद लहसुन के जवे, एक मीडियम साइज़ का प्याज जो हमने फाइनली चॉप कर लिया है, एक टीस्पून नमक, एक टीस्पून दड़ा मिर्च और एक टीस्पून चीनी। सबसे पहले हम टमाटर लेते हैं, इसकी जो आई है ये रिमूव कर देते हैं और इसको दो पीसीस में इस तरह से काट लेते हैं ताकि हमें इनके जो ये पील्स है रिमूव करने में आसानी हो। मैं ये सारे टमाटर काट के फिर आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए टमाटर हमने काट के तो इनके दो दो पीस कर लिए हैं। अब हम पैन चूल्हे पर रखते हैं। पैन हमने चूल्हे पर रखा है और इसमें 3 टेबलस्पून हमने ऑयल या घी जो आप इस्तेमाल करते हैं वो हमने डाला है। जैसे ही ऑयल थोड़ा सा गर्म होता है तो हम इसमें ये 15 से 16 अदर जो लहसुन के जवे हैं वो इसमें डालते हैं। और एक ये मीडियम साइज़ का प्याज जो हमने फाइनली चॉप किया था वो इसमें डाल के तो हम इसको हल्का सा इस ऑयल में भून लेते हैं। हमने इनको ब्राउन नहीं करना, सिर्फ थोड़ा सा सोते ही करना है कि थोड़ा सा जो है वो नरम हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए हमें तकरीबन 1 से 1.5 मिनट हो गया इसको ब्राउन करते हुए। प्याज और लहसुन जो है वो बिल्कुल नरम हो चुके हैं। अब हम इसमें डालते हैं टमाटर। घी तमाम सोल्ट हो चुके हैं। अब हम धीमी आंच पर इसको 3 से 4 मिनट के लिए ढक देते हैं ताकि टमाटर जो है वो अच्छे तरीके से नरम हो जाए। जो भी टमाटर नरम होते हैं फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए जी, माशाल्लाह टमाटर जो है वो नरम होने शुरू हो गए। इनके ये पील्स जो है हम उनको रिमूव कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए पील्स जो हैं हम सारे रिमूव कर चुके हैं। अब हम इसमें सबसे पहले ये नमक डालते हैं ताकि नमक डालने की वजह से ये टमाटर जो है वो और सॉफ्ट हो के जल्दी से मिक्स हो जाए। सुरख मिर्च, नमक हमने डाला 1 टीस्पून, सुरख मिर्च पाउडर जो है ये भी 1 टीस्पून, ये चिली फ्लेक्स जो है ये भी 1 टीस्पून। अगर आपको ज़्यादा तेज़ फ्लेवर चाहिए तो फिर ये आप जो है बढ़ा सकती हैं। ये देखिए ये टमाटर जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें ये 1 टीस्पून जो चीनी थी वो डालते हैं। चीनी जो है इसके जायके को इन्हेंस करेगी। अब इसको 2 से 3 मिनट के लिए हम लोग भून लेते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने इसके साथ क्या करना है। ये देखिए जी, माशाल्लाह सॉस हमारा जो है वो गाढ़ा हो चुका है। हमने चूल्हा बंद कर दिया है। अब हम इसको 10 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ते हैं। ठंडा होने के बाद हम इसको ब्लेंडर में डाल के सिर्फ 10 सेकंड के लिए इसको ब्लेंड करते हैं तो फिर फाइनल लुक आपको इसकी दिखाते हैं। ये देखिए जी, माशाल्लाह सॉस हमारा जो है वो हल्का ठंडा हो चुका है। अब हमने ये चॉपर में डाल लिया। आपके पास चॉपर नहीं है तो आप ब्लेंडर में डाल के, वो ब्लेंडर का जो जग होता है उसमें डाल के तो उसमें भी ब्लेंड कर सकते हैं। ये देखिए जी, माशाल्लाह हमारा सॉस जो है वो तैयार हो चुका है। इसका टेक्सचर जो है वो इसी किस्म का होता है, थोड़ा सा दानेदार, बिल्कुल स्मूथ केचप की तरह नहीं होता। तो अगर आपको केचप की तरह पसंद है तो आप इसको थोड़ी देर के लिए ज़्यादा ब्लेंड कर सकते हैं। मैंने 10-15 सेकंड के लिए ब्लेंड किया, आप 30 सेकंड तक भी ब्लेंड करें तो भी। ये देखें जी, हमारी फाइनल सॉस की फाइनल लुक आपके सामने है। इसको आप फ्रिज में रखेंगे 15 से 20 दिन के लिए, इजीली आप इसको स्टोर कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होती। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।